हाँ जी, तो क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे कि आज 19 अगस्त, तो आज मैंने देखा ना, आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी आता है। स्पेशली मेरे फ्रेंड का भी बर्थडे है आज, और आज रक्षाबंधन भी है, तो बहुत अच्छा त्यौहार है। मतलब अभी बारिश चल रही है भयंकर वाली, मतलब लग भी नहीं रहा है कि सूर्य देवता आज आएंगे। और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, और अभी तो ऐसा मौसम देख के कुछ लग नहीं रहा कि कहीं जाया भी जाएगा और ऐसा कुछ प्लान होगा। बाकी देखते हैं। अभी मैं थोड़ा घर की डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ, मस्त करके नहाती वहाती हूँ। जैसे कि आज रक्षाबंधन है, मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, उसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। बट और भाई मेरे आ रखे हैं, तो बाकी देखते हैं कौन आता है क्या है। मैं कहाँ जाती हूँ, जैसा भी बनेगा मेरा। वैसे तो मेरा कुछ भी कुछ खास नहीं बनता, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है चलो रक्षाबंधन। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस, तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ मस्त करके। और जैसे यार रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का मुहूर्त 1:30 बजे का है, तो अभी मैं नॉर्मल ऐसे घर के कपड़े में हूँ, क्योंकि 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधनी होगी। तो अभी से कपड़े पहन के क्या फ़ायदा, जो मैंने सूट सिलाया था। और मेरे को लग नहीं रहा, जैसे हालात हो रहे हैं ना, मुझको लग नहीं रहा कि सूट आज पहना जाएगा भी कि नहीं पहना जाएगा। चलो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, और पूजा ही करी थी तो धूप बत्ती हाथ में देखो लेके घूम रही हूँ मैंने ना। चलो अपने गाइस को बताया जाए। पूजा मैंने कर ली है बढ़िया करके, एकदम मस्त करके। और यार मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताने भूलगी, आज रक्षाबंधन है और मैंने रक्षाबंधन के नाम पे बस राखी ही ली है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया है। नो स्वीट्स, नो गिफ्ट, कुछ नहीं लिया है। और कारण ये है कि नहीं लिया, क्योंकि कल मैं जैसे गई थी, निकली थी घर से बाहर, की बारिश हो गई, और आज सुबह भी बारिश ही हो रही थी। अभी जाके बारिश रुकी है थोड़ी देर पहले, आधा घंटा ही पहले रुकी है। और बस अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, ना कुछ डिसाइड करा है। घर पे गेस्ट आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा बाकी पता नहीं। अभी मेरे को कुछ नहीं पता, बस मेरे को अपना पता है कि मेरे को नहा धो के रेडी रहना है, बस जैसे कोई आएगा पेश हो जाना है सामने, और कुछ नहीं। तो चलो फिर आगे, अभी का तो ये प्लान है कि मैं थोड़ा सामान वामान चोटर पोटर लेने के लिए दुकान में जा रही हूँ, और दूध वूध खत्म हो गया तो दूध वूध लेने जा रही हूँ, दूध लेने जा रही हूँ। और तुम इसको देखो, मेरे घर के सबसे आलसी इंसान, ये तब आ गया था जबकि जब मैं सो के उठी थी, और ये अभी तक सो रहा है और सो सो के अंगड़ाइयाँ ले रही है यहाँ पे। इसको पता नहीं कि आज रक्षाबंधन है, पता नहीं रक्षाबंधन है। हाँ कहाँ से ही पता होगा इसे रक्षाबंधन, आज इसकी तो सारी बंदी ही होंगी, बहन तो कोई ही हुई है। चौड़ोगे सो रखा है बिल्ले। ननी ननी, यहाँ से इसका मुंह देखो कैसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे गिरगिट विरगिट और बड़ी छिपकली लेजाट होती है ना उनका मुंह। और यहाँ से क्या छिलवा तुड़वा के आया अपने आपको, ये देखो जरा। सो के ना मस्त रखा है छोड़ो के, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मस्ती कर दो, कितनी गुदगुदी कर दो। जितनी ज्यादा गुदगुदी करोगे उतनी ज्यादा पलटी पुलटी होती रहेगी और कुछ नहीं होती रहेगी। क्या है गाइस को हेलो बोलने की, हेलो गाइस बोल। म्या आज तो म्या मूवी नहीं हो रही, सोचा तो मैं दुकान जा रही हूँ, ठीक है आती थोड़ी देर में। मेरी बिल्ली की आँख खुली थी और कैमरा देख के बंद होगी, इतना नाटक करते ना भाई। तू क्या टेडी बियर है क्या, तो तेरे नाटक देखेंगे हम। हैं नानी, हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे को मतलब नहीं है, चल निकल यहाँ से, बस हट गंदे गई का। भाई साहब सड़क में इतना किचड़ पिछड़ हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और ये मेरा रक्षाबंधन का सामान, कुछ गैस जो घर पे आएंगे उनके लिए, और दूध तो कहीं नहीं मिल रहा था भाई। दूध वूध लेके आई बड़ी मुश्किल से, इधर उधर से ढूंढ भान के। अब गैस आ गए तो मैं ऐसे नहीं रहती हूँ, कहाँ कहाँ भागूंगी भाई। और गैस को बोलूंगी क्या दूध लेके, चाय पीनी है तो है ना। ऐसे क्यों है, डरते थोड़ी है आप दोनों, तो दोस्त हो। ननी ननी, मेरी ननी को तो कोई मतलब नहीं है, उसको ये बस मेरे को खाने के लिए दे दो, सोने के लिए दे दो बस। ये देखो, ये मेरे को कैसे टक्कर मार रही है आप, मेरे को क्यों टक्कर मार, ये देखो फोन को भी मार रही है। आप फोन को क्यों मार रहे हो। अच्छा पूछी कर दो गाइस को, पूछी कर दो पूछी, आहा पूछी कर दो। ये तो बड़ी समझदार है ना मेरी, सुन्नू मुन्नू सुनू मुनू। इसका नाम ननी है, इसका नाम क्या रख दूँ, बनी। वो ननी है, बनी ननी बनी ननी बिन्नी। कितना सुंदर लगता है ना जब आपके पास पेट्स होते हैं। और मेरे को तो मतलब पूरा मन इन दोनों के वजह से मेरा दिन इतना अच्छा निकल जाता है, वरना तो मैं अकेले अकेले पागल ही हो जाऊँ भाई। इन दोनों के वजह से मेरा इतना मन लगा रहता है ना, मतलब दोनों इतना लाड करते हैं मुझे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं अकेली। ये दोनों इतना मेरा मस्त पूरा दिन काटते हैं बढ़िया करके, और बिल्कुल नहीं लड़ते, शोर नहीं मचाते। मेरे ननी तो सोया ही रहता है, और ये थोड़ी देर के लिए आती है, खेलती है, खाती है और चले जाती है, क्योंकि इसके बच्चे शायद कहीं और रहते हैं।
तो फिर उनके पास चल जाती है, खाने के लिए आती है और चले जाती है ना। मेरी बात ही सुन रही है, इतने प्यारे से मेरी बात ही सुन रही है। और नन्नी को देखो जरा, इसको तो जगह ही बदलती रहती है बस। अरे और इसकी एक और बात है, ये इतनी तेज से सांस लेती है ना, अब मैं नन्नी के सामने करूंगी तो आपको उसकी बिल्कुल एक चू भी नहीं आएगी। देखो है, इसके सामने करूंगी ना, इसकी सांस ही इतनी तेज है। ये देखो गुड गुड, फोन का पूछी करती, फोन का पूछी करती, पूछी करती। ये देखो देखो इतना खेलती है ना, ऐसे उंगली रखूंगी ना अभी इसमें नाखून, इसे देखो उंगली, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे बस उंगली रखने की दे रहा है और उसको मस्ती करने की दे रहा है ना। नन्नी को तो मैं दे चुकी हूँ, पर मुझे पता है नन्नी मानेगा नहीं, ये भी खाने के लिए करेगा, तो मैं दोनों को मिलकर देना पड़ेगा दोबारा से, है ना। इसको थोड़ी ज़्यादा दूंगी, इसको थोड़ी ज़्यादा दूंगी, क्योंकि पहली बार खाएगी ना, और नन्नी तो पहले भी खा चुका है तो वो दूसरी बार खाएगा ना, तो नन्नी को थोड़ी सी देंगे, आपको ज़्यादा देंगे। ठीक है ठीक है मम्मा बिली, मम्मा कहती ठीक है, आप सो जाओ ना, थोड़ी देर आराम कर लो ना आप। तो गाइस अभी मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तो सुबह मैं हल्का फुल्का ही लेती हूँ, और अभी त्योहार का दिन है तो क्या पता दिन भर में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय के साथ नमकीन वमकीन खाती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि ऐसा खाली पेट भी मेरा सुबह दिन चलता नहीं है, मेरे को चाय चाहिए ही होती है सुबह सुबह। अभी तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी खाने के लिए दे देती हूँ, तो चलो। ये बैठा है यहाँ पे मेरे इंतजार में, अरे ये बैठा है यहाँ पे, दोनों को कैसे तो इतना शोर मचा रहे हैं दोनों, इतना शोर। कितनी प्यारी लग रही है मेरी दोनों बिल्ली, एक साथ खा रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है। तो भाई मैंने अपनी तरफ से सब रेडी कर लिया, ये रही पूजा की थाली, और जब आएंगे मैं तब बांध दूंगी। और इसमें मैंने रखा है सूरजमुखी के फूल, धूपबत्ती, टीका, चावल और राखियाँ, और मिठाइयाँ भी थोड़ी देर में आ जाएगी। और ये रहा मेरा बैग, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे भाई लोगों को खिलाते रहेंगे, देते रहेंगे। और यहाँ पे रखी है मैंने ढेर सारी चॉकलेट, तो ये भाई लोगों को दे दूंगी चॉकलेट्स, तो यही है। और तुम्हारे लिए मैं इतना कर रही हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं आया ना, फिर देखना तुम, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। तो मेरी यहाँ पे राखी की तैयारी हो चुकी है, ये पैकेट्स हैं ठीक है, ये अगर कहीं जाऊँगी या कोई भी घर पे आ जाएगा तो उनको दूंगी भाई लोगों को, और ये भाई लोग के टिक्का बांधते वक्त चॉकलेट वगैरह दूंगी उनको। और यहाँ पे मेरी राखी तैयार है, यहाँ पे मेरी थाली तैयार है बढ़िया करके, और स्वीट्स अभी आने वाली है थोड़ी देर में, मेरे एक भाई आने वाला है तो उसको मैंने कह दिया स्वीट्स का काम वही कर देगा मेरा भाई। तो चलो मेरा तो ऑल सेट हो गया है, ये फिलहाल का ये सामान है। मेरी बिल्लियों को देखो जरा, मेरी बिल्लियों को चैन नहीं है कि खाने के लिए कब दे दिए एंकी हैं, क्या करूं, मेरे को जो जो दिख रहा है ना मेरे को बाद में याद आ रही है कि ये भी आपको दिखाना है, ये भी आपको दिखाना है। और सच बताओ तो ये सारा मैंने पैक करके रख देता हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोला है। गाइस मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम में जिन्होंने फॉलो नहीं करा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, एंकी हेयर 82, और ढेर सारा प्यार दो अपना यार, बहुत मेहनत लगती है कसम से, इतनी मेहनत लगती है ना एडिटिंग करने में, और समझ सकते हो तुम अकेला सब चीज मैनेज करना है, एडिटिंग करो, व्लॉगिंग करो, ये वो। सो गाइस आगे मैं अपनी सबसे पहली राखी बांधने के लिए, यहाँ पे थाली एकदम टिप टॉप रेडी है। एक भाई मेरा ये रहा, अरे भाई मेरा ये रहा नंगा बत्ती जला के दे रहे। तो भाई मेरे भाइयों की फैमिली से यहाँ पे बहुत सारी राखी आ रही है पर बांधने के लिए नहीं है, तो ये सारी जितनी भी राखी है ना ये सारी मैं बनाऊंगी, जो यहाँ पे भी है ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी इन दोनों को। तो पहले मैं राखी खोल लेती हूँ सारी। आ रहा भाई जोगिंदर, ये है मेरे बड़े भाई अंकित की राखी, तीन राखी बांधनी है, पहले मैं बांधती हूँ अपनी आगे। बड़े भाई को बना दिया मैंने ये तीन राखी एकदम बढ़िया, बारी है पंकज भाई की, पंकज भाई को बांध देंगे अब, खाले पूरे खाले। हाँ यहाँ भी मैंने अपने छोटे भाई को भी बांध दिए,
भाई साहब सब वेट कर रहे हैं मिठाई की दुकान में, मैं भी वेट कर रहा हूँ, बीत गए। और अभी अपनी बहन की यहाँ भी जाने का प्लान बन रहा है, तो अभी हम यहीं पे कर रहे हैं वेट। और अब हम लेंगे पीछे वाली शॉप से मिठाई, क्योंकि हमें दो जगह और जाना है। तो यहाँ पे मिठाई हो रही है अपनी पैक, यहाँ पे ले लिया हमने मिठाई। अंकित क्या सोच रहा है भाई, 10 मिनट भी बंद हो जाए तो हम निकल पड़े। बंद नहीं होने की, सावन चल रहे भैया। यहाँ पे हम आए छिद्र वाला, मेरे पुराने घर के साइड आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, अभी मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला रही हूँ स्कूटी में, उसके बाद हम निकलेंगे आगे को। और मैं दिखाऊंगी आपको सीधा वहीं पहुँच के जहाँ मैं राखी बांधने जा रही हूँ। तो चलो पेट्रोल भर गए, लेट्स गो। है चीज में ध्यान, चीज में ध्यान है, चीज में ध्यान। कुछ कुछ सर्दर्दी के बाद हम जा रहे थे गाड़ी से, पर लग गई बारिश तो अब हम जा रहे हैं बस से। तो अभी हम अपने यहीं से निकल रही है और भैया ने चला के थे बस पुराने घर, हमारा सफर अनोखा बना। फाइनली हम पहुंच गए 5:06 में, हम वहां से बैठे थे नबारी फार्म से, और 7:04 में हम बिस्मिल्लाह में आए। 2 घंटे लग गया हमें देहरादून आने में, और अभी जीजू हमें लेने आ रहे हैं। और जो भैया थे आलसो गाड़ी की, भी इतना मारा मार थी, गाड़ी भी नहीं थी, उनकी गाड़ी से हम आए हैं और उन्होंने हमें जस्ट बिस्मिल्लाह में ही छोड़ा। तो हेल्पफुल लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया को। हेलो, पहुँच चुके हैं। जुगनू का शोर देखो जरा, ए चल चल चल, ये देखो इसकी शोर, चल चल चल, आ गए हम। ये देखो मेरी बहन, हेलो गाइस कर, हेलो गाइस, हेलो गाइस कर। ये देखो मेरी बहन डुमरू, तू क्यों गुस्सा हो रहा आज, तू मुझे भूल गया क्या? चल आ जा, आ रहा हूँ मैं भी, गाड़ी लग रहे थे। मनुष्य मिठाई निकाल दिया, बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे क्या हो गया? हाँ जी हाँ जी, जुमरू कैसे हो? हाँ कैसे हो आप? बढ़िया। ब्लॉग गाइस को आए तो बोलो, पीनी हमने जल्दी से। ये राखी बांध रही है मेरी बहन अंकित को, 7:49 पे बांध रही है शाम को राखी। ये तेरी तो सारी हमारी बैठ के देख रही हैं इधर उधर क्या चल रहा क्या नहीं। ए, मेरी मम्मी नमस्ते ले लेना, सब ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करना। वो भी नहीं है गाड़ी, अरे और भी आ जी ना बहनों। सुन तो, मैं जाने का इंतजार कर रही हूँ, उसी का मेरा प्रिय बॉयफ्रेंड है वो। मेरी बहन मेरी टीका लगा ले, अच्छी टीका लगाया, सुनिए देख कहाँ जा रही है, इसमें बांधते क्या? वाह ये देखो अच्छी लग रही है, यही बना देती, ये भी तो है यहाँ रखी मैंने। झुमरू देखना, पहले उसने ड्राई फ्रूट वाली नहीं खाई, अब उसको लगा कि मीठा है तो खा लूंगा मैं। झुमरू ब्रांडेड पर्सन है, झुमरू तो झुमरू ब्रांडेड पर्सन। ये भैया को तुमने बांध दी, सबसे छोटे भैया को मेरे गाइस को रख दिया हूँ। भाई झुमरू एक यहाँ पे है, हेलो आप दोनों कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो, वाइट वाइट हो रही है तो एकदम टाटा। हमारा झुमरू यहाँ पे, और ये नहीं मेरे पास टॉफी, अभी से पता नहीं मैं से टॉफी दे रही हूँ, मेरा हाथ तो नहीं खा रहे ना बेटा।
आएगी ना चिंदी, ए ओट से लिए पता ही नहीं लगने देगी टॉफी खाई इसने। सब मुझे कह रहे हैं कि मैं पतली हो गई हूँ और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेचुरली पतली होगी, पता नहीं कैसे सबको बहुत पतली लग रही हूँ। अभी चाय नाश्ता बराबर से हो गया, अब हो रही है डिनर की तैयारी। अंकल देख रहे हैं, अब हो रही है डिनर की तैयारी, बढ़िया करके डिनर शिनर करेंगे। और बहुत थक लगी यार, बहुत थक। और यहाँ पे मेरा भाई अंकित बैठा है और ये मेरे कान में अभी बोलता हूँ क्या कह रहा था, यहाँ हम थके हारे बैठे हैं, ये मेरे कान में बोल रहा है पबजी खेले। बहन ने थोड़ी और पेट पूजा कराई और पेट पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बहन की गैलरी में। गाइस ये था हमारा आज का रक्षाबंधन का फंक्शन, सब बढ़िया गया, मस्त गया, जबरदस्त गया। और बहन ने मस्त में डिनर भी खिला दिया हमको और वो भी अपना ऊपर सो गए, हम नीचे आगे सो गए। और यहाँ पे अंकित भाई है, चल बाय बाय गुड नाइट कर दें। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक अनदर डे। और अब मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, वेदर से बेबी इतना ज़्यादा ठंडा था भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और हम बता कितने बजे उठे, 9:19 में, और बाहर देखो कितना उजाला हो गया। यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है, बहन ने चाय भिजवा दी है, चाय बिस्किट। और ये रही मैं, बड़ी ज़बरदस्त नींद आई, बड़ा मस्त नींद आई थी। आ चुका है यहाँ पे ये बंदर भी, ले चाय भी, चाय बिस्कुट खा तू। कैसी नींद आई तुझे, जबरदस्त। धूप देखो कितनी बढ़िया आ रही है, नींद बजे और आ रही है। कोई नहीं, पहले बोलता सो जा, पर अब उठने का टाइम हो गया, उठ जाओ भाई, ऊपर चलते हैं फिर। जा रहे मेरे जीजू आज ड्यूटी वापिस। टाटा, हमारा आ गया ब्रेकफास्ट, आलू पराठा और चाय, चीज़। बड़ी दीदी ने खिलाया बहन की जिठानी ने, बस करके आलू के पराठे खा के हम आ गए छत का नज़ारा लेने के लिए। देखो जरा ये देहरादून की भीड़ भाड़, भाई साहब घर देख रहे हो कैसे बना रखे हैं यहाँ पे। पर अपने को आदत नहीं, अपने इधर खुला खुला है ना, तो अपने इधर मतलब मस्त रहता है, लाइक वॉकिंग वॉकिंग। यहाँ कहाँ घूमेगा इंसान यार इन गलियों में। अभी अंकित और मैं यही बातचीत कर रहे थे, भाई साहब कितनी आबादी है, भयंकर, क्या ही बोला जाए। हाँ रक्षाबंधन जिस हिसाब से हमने सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन गया हमारा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी बड़ा ज़बरदस्त गया मेरा, और सोचा नहीं था मैंने इतना ज़बरदस्त जाएगा, पर गया मस्त। ये देखो रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रही है एकदम भर भर के, क्या क्या इसमें बता पहले मेरे गाइस को। ये जेलीज है, हाँ ये है थोड़ा टैंग, तीन ये है, हाँ मिनी पैक कैडबरी, ये और स्नैक्स सेट। ओके ये स्नैक्स, ये स्नैक्स की टॉफी का पैकेट होता है। ओके भाई गाइस मेरा तो आ चुका है, यहाँ पे भरपूर गिफ्ट भर के ले जा रही हूँ मैं, इसके घर से बटोर के गिफ्ट पैक आ गया मेरे लिए। सामान है ये, किसका सामान है? हाँ क्या जरूरत थी, था पाँव लेके तो नहीं नहीं वो लिया अभी मैंने देने। हाँ और गाइस हटे नहीं अभी, और अभी मेरी बहन जा रही है हमें छोड़ने के लिए, वहाँ पे मम्मी आ गई हैं और बहन के जेठ जी जा रहे हैं, जेठानी जा रही है हमें छोड़ने। और बाहर लग गई है बड़ी तेजी से बारिश, हाँ ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत बारिश होगी। और ये मैं यहाँ से सामान लेके जा रही हूँ, देखो जरा हमारे यहाँ ये होता है ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी कहीं जाते या आते हैं तो उसी कर्ज भी लगाते हैं और शगन देते हैं, तो शगन मैं इस पैकेट में डाल देती हूँ। हेलो कर गाइस को मॉर्निंग की, हेलो हाय क्या हाय गाइस, वो ला हाय के स्टाइल से अपना लुक दिखा दे, जो मेरा पर्स भी टंगा ऐसे साइड दे ना साइड लुक, ये देखो जरा पर्स वर्स का फ्लैक्स मार रही है ये। चलो ठीक है बुआ है नहीं 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 मैं नहीं, पता क्या बोल रहे मुझे अपने ओरिजिनल केबल लगाया ना, अरे एक दिन जा रहे हैं घर, अब ये अपना चला।